अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सादाब और स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन मास्टर में। तो दोस्तों आज हम करेंगे शर्ट की कटिंग। पहले इसे हम उल्टा करके बिछाएंगे और ये चौकड़ी शर्ट है चेक्स वाली, तो इसकी जो ये लाइनिंग है इसे हम बराबर से पहले मिला लेंगे, सामने की तरफ से मिलाएंगे। जैसे कि मैंने मिलाया हुआ है, ऐसे देख लेंगे, फर्क ना हो, सामने से हम मिला के कटिंग करेंगे। और कभी कभी चौकड़ी ऐसे इस तरीके से नहीं मिलाने से भी नहीं मिलती, तो हम एक पल्ला पहले कटिंग करेंगे फिर दूसरा पल्ला कटिंग करेंगे एक साथ। तो इसमें हमारी चौकड़ी मिल जा रही है, तो इस तरीके से हम इसमें दोनों पल्ला एक साथ कटिंग कर लेंगे। तो पहले हम फ्रंट की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ऊपर एक निशान लगाएंगे, जहाँ से हम कटिंग शुरू करेंगे, जहाँ तक हमारा कपड़ा सही है वहाँ से हम एक निशान खींच लेंगे। देखो यहाँ से हमने खींचा हुआ है, और दूसरा एक किनारी छोड़कर पटरी के बराबर आप खींच लें। चाहे तो आप 2 इंच चौड़ा भी निशान लगा के खींच सकते हैं, नहीं तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि पटरी जितनी चौड़ी होती है हमारी, 1.25-2 तक की रहती है, वो खींच लेंगे। इसके बाद हम देखो लंबाई रखेंगे, आपकी जितनी भी लंबाई हो। तो यहाँ पर मेरी है 27 इंच की लंबाई है शर्ट की, तो सबसे पहले हम लंबाई रखेंगे 27 इंच पर के। तो वहाँ पर हम 28 इंच निशान लगाए हैं, हालांकि हम 27.5 पर एक निशान लगाएंगे और 28 पर, ये दो निशान। तो 1 इंच जब हमारा ये बढ़ेगा तो नीचे से दामन की भी मार्जिंग और ऊपर से कंधे की मार्जिंग दोनों बराबर आ जाएगी। इस तरीके से हम निशान लगाएंगे, आप 1 इंच बड़ा कर लें, इस तरीके से निशान हम लगा लेंगे। उसके बाद हम ऊपर से निशान लगाएंगे, जो कि हम लगाएंगे यहाँ पर 2 इंच के, और 2.25 भी लगा सकते हैं, 2, 2.25, ये 2 ही नाप है अगर आपकी साइज कम ज़्यादा के साथ लगाएंगे। उसके बाद देखो हमारा सीना 36 इंच है, इसकी चौथाई करेंगे तो 9 इंच आ जाएगा हमारा, 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। लूज शर्ट कटिंग कर रहे हैं हम यहाँ पर, ढीली शर्ट। अभी इस निशान को हम बड़ा कर लेंगे, सीने की हमने चौथाई लगाया है। इसके बाद रखेंगे कॉलर के लिए 2.5 इंच, और शोल्डर जितना हमारा है 17.5 इंच है, 17.5 का आधा 1.75, चाहे 2 सूट बढ़ा लें, आधा इंची, जैसे भी आपकी मर्जी, आपकी मार्जिंग आपको जितना देना हो उस हिसाब से मार्जिंग बढ़ा लें। सीना है 36 इंच, उसकी चौथाई करेंगे 9 इंच, 9 चौक 36। अब इसमें लूज शर्ट की कटिंग है तो हम यहाँ रखेंगे 2 इंच, 2 इंच, 2.25 इंच तक भी रख सकते हैं अगर आपको ज़्यादा लूज शर्ट चाहिए तो। हम यहाँ पर लूज कटिंग करेंगे तो 2.25 इंच तक रख देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2.25 इंच तक। और फिटिंग शर्ट के लिए आप 1.5 इंच रख सकते हैं। देखो हमने शोल्डर जितना नापा था उतना ही निशान यहाँ पर लगाएंगे, इस तरीके से। ये लूज शर्ट की कटिंग के लिए है, बिल्कुल इस तरीके से निशान लगा लेंगे, शोल्डर का निशान मिलाएंगे। और जो हमने ये निशान खींचा ये आर्मोल का, हमारा सिम का राउंड हो गया, बिल्कुल लूज शर्ट कटिंग हम करेंगे इसमें, सिंपल सी शर्ट की कटिंग। इसके बाद हम नीचे निशान लगाएंगे, नीचे हमारा है 37 इंच, तो उसकी चौथाई रखेंगे 1.25, और यहाँ पर हम लूजिंग दे देंगे 2 इंच की, इस तरीके से 2 इंच की लूजिंग रख देंगे। और हल्की जो हमारी सेप वाली पट्टी होती है, हल्की सेप से, अगर आपकी शर्ट, अगर आपको पेट वाली कटिंग कर रहे हैं जिसका पेट ज़्यादा है, तो पेट नाप कर भी बीच में निशान लगा सकते हैं यहाँ पर। और नीचे जो हमारा साइको है उसके लिए हम 2 इंच डाउन करेंगे, साइको बनाने के लिए एप्पल कटिंग, इस तरीके से। तो ये हो गया हमारा फ्रंट का निशान पूरा हो गया, अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को इसमें समझ में आया होगा, अगर समझ में ना आया तो कमेंट करके पूछें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बिल्कुल मोदी जी बोले थे सब्सक्राइब करने, तो मैं भी बोल दे रहा हूँ सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों ये हो गया हमारा फ्रंट कटिंग पूरा हो गया। अब देखो इसी पल्ले को हम पलटी करेंगे, देखो ये हमारा देखो जॉइंट है एक तरफ, हाँ इसी को पलट लेंगे, ये बड़ा पन्हा कपड़ा है, इस तरीके से पलटेंगे। जो हमने फ्रंट काटा हुआ है उसी को हम इस पर फिर से बिछा लेंगे, इस तरीके से। अब देखो ऊपर से भी अब क्या करेंगे, पहले तो हमने कपड़ा जो हमारा वेस्ट जाने वाला है उसको नाप कर वहाँ से मोड़ लेंगे, जैसे कि मैंने मोड़ा है इसमें वीडियो में। इससे क्या होता है कि हमारा कपड़ा ख़राब नहीं होगा, वेस्ट नहीं जाएगा बिल्कुल। अब हम इस पर बिछाएंगे फ्रंट जो हमने काटा हुआ है, और इसको इस तरीके से बिछाएंगे कि ऊपर से देखो यहाँ से हमारा पहले तो लाइनिंग हमारी बराबर होना चाहिए। विदाउट शोल्डर कटिंग करेंगे यहाँ पे, हम इसको शोल्डर बाद में कटिंग करेंगे, डबल शोल्डर काट लेंगे। देखो हमने ऊपर से लाइनिंग बिल्कुल मिलाया हुआ है साइड से, इस तरीके से देखो हमारी लाइनिंग ये मिली हुई है, और फ्रंट हमारा 1/2 इंच बाहर है ऊपर नीचे, इस तरीके से हम बिछाएंगे इसको, ये बिल्कुल आसान। जहाँ से हमारा शोल्डर का निशान है वहीं से एक निशान लगाकर हम वहाँ लकीर खींचेंगे, और जितना शोल्डर हमने फ्रंट में काटा हुआ था उतना ही शोल्डर हम बैक में निशान लगा लेंगे।
ये हमारा 9.5 और 9.25 था, तो यहाँ पर लगा देंगे 9.25 इंच। और ये लूज टाइप का कटिंग है तो बिल्कुल इसको हम चाहें तो नापे 1.5 इंच, नहीं तो सीधा सीधा भी रख सकते हैं, बिल्कुल सीधा सीधा इस तरीके से। फ्रंट बिल्कुल आसान है, एक बार आप फ्रंट को काट लेंगे तो बैक, सॉरी बैक बहुत आसान है कटिंग करना। अब इसको हम पहले कटिंग करेंगे और नीचे, अभी आपको बता देता हूँ, जब नीचे हम कटिंग करेंगे दामन के पास तो थोड़ा सा नीचे हम छांट देते हैं, बस इतना सी रहता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, देखो ये हमारा नीचे से कटिंग हो गया। कटिंग होने के बाद ये हम हटाएंगे और नीचे वाले पल्ले को थोड़ा सा छांट दिया करेंगे, और इससे क्या होता है शर्ट हमारी पीछे लटकेगी नहीं। ये हो गया हमारा फ्रंट का और बैक का पल्ला कटिंग हो गया, शोल्डर बाकी है। अब इसकी हम आस्तीन कटेंगे, देखो ये हमारा आस्तीन। आस्तीन के लिए भी हम क्या करते हैं कि हम ऊपर से लाइनिंग मिला लेंगे, देखो इस तरीके, जैसे मैं यहाँ पे मिला रहा हूँ, देखो ये फर्क है। इसको इस तरीके से मिलाएंगे कि दोनों लाइनिंग हमारी मिल जाए। याद रखिए लाइनिंग नहीं मिलती है तो हम एक आस्तीन पहले काटेंगे फिर दूसरी आस्तीन काटेंगे, मगर यहाँ पर हमारी लाइनिंग अगर मिल रही है, देखो इस तरीके, जैसे मैंने तीर का निशान लगाया हुआ है कि हमारी लाइनिंग मिल रही है, साइड से भी और ऊपर से भी इस तरीके से मिला लेंगे, ठीक है। अब इसको हम दोनों आस्तीन एक साथ मोड़कर कटिंग करेंगे इस तरीके से। अब देखो नीचे जहां तक हमारा कपड़ा खराब है वहां उसको छोड़कर एक निशान ऊपर लगा लेंगे, देखो यहाँ हमारा कपड़ा कम ज्यादा है, इसको यहाँ से निशान लगा लेंगे। एक लकीर पहले खींचेंगे और दूसरी लकीर मार्जिन के लिए, याद रखें दूसरी हमारी मार्जिन है। ऊपर से हम 4 इंच या 3.5 इंच तक निशान लगाएंगे आस्तीन डाउन का। 4 इंच हम रखते हैं थोड़ा फिटिंग शर्ट के लिए, नहीं तो हम 3.5 रखेंगे लूज शर्ट के लिए। सीना हमारा 36 था, 9 चौक 36, उतना ही हम यहाँ पर रख देंगे 9 इंच। हमने जो फ्रंट में 9 इंच रखा था आरमोल, उतना ही हम यहाँ रख देंगे। आस्तीन की लंबाई है 24 इंच की, तो ऊपर से देखो हमने बिल्कुल 24 इंच रखा हुआ है, याद रखें। देखो ऊपर से हम नापेंगे 24 इंच और यहाँ पे कॉलर के पास हम क्या करेंगे, आपको जितना भी कॉलर लगाना है, अगर आपको 2.5 लगाना है तो 2 रखें, हमें यहाँ लगाना है 2.25 तो हम यहाँ रखेंगे 2.25, आधा इंच मतलब कम कर लेंगे। कफ हमें लगाना है 2.25 इंच का, याद रखें। देखो 2.25 इंच का कफ लगाना है तो हम निशान लगाएंगे 2.25 पर, आधा इंच कम करके इस तरीके से लकीर खींचेंगे। और कफ की जो लंबाई है हमें कब बनाना है 9.5 का, तो 9.5 को जब आधा करेंगे 4.25 और उसमें हम 1 इंच की मार्जिन दे देंगे, तो ये हमारी मार्जिन आ जाएगी और प्लेट भी आ जाएगी। अभी दोनों निशान को हम मिला लेंगे, राउंड शेप से मिला लेंगे। आपको ज़्यादा लूज चाहिए तो आप सीधा भी मिला सकते हैं, इस तरीके से निशान लगा लेंगे। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, अब यहाँ पर ध्यान दें आस्तीन की कटिंग के लिए इस पल्ले को हम खोलेंगे। हमने 4 परत है, ये हमारा 2 परत को इतना बाहर करेंगे जितना हम सिलाई करते हैं, देखो हमने इसे बता दिया आपको, इतना हम बाहर कर लेंगे। और नीचे वाले पल्ले पर हम कटिंग करेंगे चकपट्टी के लिए 5 इंच की, ये सब शर्ट में हम 5 इंच कटिंग करते हैं, इस तरीके से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब जिस तरफ हमारी चकपट्टी कटिंग होती है वो हमारा बैक पल्ला होता है, देखो ये हमारा जो है कटिंग, ये हमारा बैक पल्ला है, तो उसके अपोजिट यानी अपने आगे की जानिब हम इसे गहरा शेप बनाएंगे, जिधर हमारा सामना ज्वाइंट होता है तो ये हमारा गहरा होता है। और इसकी फुल डिटेल भी आपको बना के देने वाला हूँ जल्दी एक वीडियो, कि इसकी राउंड किस तरीके से निकाला जाता है इसका राउंड। ये हो गया हमारा आस्तीन की कटिंग पूरी हो गई। दोस्तों शोल्डर की कटिंग की वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, क्योंकि इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा कि किस तरीके से इसकी कटिंग होती है, धारी कैसे मिलाते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।